बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना नवादा जिले की है, जहां जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि होली के दिन जहरीली शराब पीने से कईयों की तबीयत बिगड़ी और अचानक देखते ही देखते सब मौत की नींद सो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। बीस आदमी मर चुका है जहरीली शराब पीने के कारण, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेलियर है। शराबबंदी के नाम पर लोग मिलावटी और जहरीली शराब पीने के कारण अब तक लगभग 20 आदमी मर चुका है। क्योंकि आदमी जो मर गया है वो कहीं ना कहीं छुपा रहा है, हॉस्पिटल नहीं जा रहा। वहीं रोहतास में भी शराब ने कहर बरपाया है। होली के मौके पर जहरीली शराब पीकर 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घटना कोचस थाना क्षेत्र का है, जहां अलग अलग गांव में पिछले 3 दिनों में 4 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने मौत के पीछे की वजह जहरीली शराब को ही बताया। हालांकि पूरे मामले पर प्रशासन कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। वहीं घटना के बाद गाँव में मातम पसर गया है। पहले बे के पानी ले जा, तब पानी लगल में ना आता, आँख खुला बा, हाथवा हिलत नहीं खे, वो सही बोलत नहीं खा। अच्छा, जगह होती तो। अच्छा, शराब और पी लेते? हाँ, दारू पी ले रहा। वही दिन है? हाँ। अच्छा, दिन दर्ज भी कितने? क्या नाम है आपका? आपके पिताजी थे? वहीं बेगूसराय जिले में जहरीली शराब पीने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जब वहीं एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में दहशत है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के गुरियारी गांव की है। मृतकों की पहचान गुरियारी निवासी राजकुमार सहनी और सकल देव चौधरी के रूप में की गई है। वहीं गंभीर व्यक्ति का नाम बिरजू सहनी बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीनों ने रात में एक साथ शराब पी थी, जिसके बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते राजकुमार सहनी और सकलदेव चौधरी की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं बिरजू सहनी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज बेगूसराय के ही एक निजी अस्पताल में चल रहा है। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र स्थित सुकहरा डिहरी गांव में शराब माफियाओं ने एक निजी स्थानीय पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी, जिसके कारण पत्रकार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व में पत्रकार ने अवैध शराब बिक्री का विरोध किया था, जिसके कारण माफियाओं ने इस घटना को अंजाम दिया। उस दिन होलिका दहन लोग कर रहा था और हम गए वहां अपना देखने के लिए अपने बाइक से कि हमारा पेड़ जले नहीं। हम खाली बोले कि भैया थोड़ा सा इसको बचाइएगा, हरा पेड़ है। इसी पर सभी लोग एकाएक शराब के नशे में वो लोग धूत था और एकाएक हमला लोग कर दिया। अब पूरा लाठी डंडा सब रोड लिया था। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि शब्द नहीं है, क्या कहूँ। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक दिन में 8 लोगों की मौत हो गई। साथ ही सीएम पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का भी आरोप लगाया। पटना स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने मीडिया से बातचीत के दौरान सूबे की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। श्याम रजक ने कहा कि सूबे में शराब माफियाओं का राज है, यहां धड़ल्ले से शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार इन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। शराब का व्यापार खुलेआम बिक रहा है, सरकार नतमस्तक हो गई है माफियों लोगों के और शराब व्यापारियों के। सिर्फ कथनी उनकी रहती है, करनी ठीक उसके विपरीत रहती है। इस राज्य के मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में कहीं तालमेल नहीं है और वो सिर्फ हर बार कहेंगे कि कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। कानून यही काम कर रही है कि तानाशाही बरत रही है, शराब माफियाओं को पूरे रूप से छूट दिए हुए हैं, किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, गरीबों को मारा जा रहा है, बड़े लोगों को।
वहीं इस मामले पर अब बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि जो लोग भी ऐसे काम में शामिल हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, साथ ही इस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारियों पर बर्खास्तगी होगी तभी शराब माफियाओं पर अंकुश लग पाएगा। उल्लंघन होता है इसमें कोई शक नहीं, तो किसी कानून का उल्लंघन होता हो तो उस कानून को समाप्त नहीं। जिन्होंने भी इस घटना में संलिप्तता है उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर वहाँ के पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सीनियर अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक सीनियर अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं होती। कोई भी एक कानून आता है उसके उल्लंघन होता है।